pronounce today talk. How Drobja today talk me I cast a guy bishes a titi chat. Monorog or that mansik rog bishes a get. Mansik rog monorog bishes a get. Dr. Robinja, the bigot parts were saw Janakpur Dham State Pradeshik Aspatal me. अखन मुख्य जिम्मेवार भक एई मानसिक रोग के जे क्षेत्र छै ताई में मुख्य जिम्मेवार भक या कहि त बेर बेर हुनके नाम सुनल जाय छै एठाम जखन बात आबै छै त हुनके साहेब बात करी बहुत बहुत स्वागत दै छै डॉक्टर साहेब कार्यक्रम टुडे टॉक जी पनेदा अपना सब सीधा चर्चा दिस चलै छी दिमाग कतेक बेसी महत्वपूर्ण अंग छै है ना दिमाग के केहन केहन क्रम सब बीतै छै के जीवन कि केहन चुनौती सब छै केना हो जाइए अपना सबके शरीर के डायरेक्ट सम्बन्ध अहाँके ब्रेन सङ्गे रहै छै जी एकटा अहाँके माइंड टू बॉडी रिलेशन कहै छै कि विश्व स्वास्थ्य संगठनके अहाँके डिफिनेशन देखबै स्वास्थ्य तऽ ओहिमे अहाँके शारीरिक रूपसँ सामाजिक रूपसँ या मानसिक रूपसँ यदि अहाँ स्वास्थ्य छै तहने अहाँ स्वस्थ आदमी कहल जाइ छै बुझलियै कि नहि अभी की छै तऽ अहाँके जब तक अहाँके ब्रेन स्वस्थ नहि रहत तब तक अहाँके शरीर स्वस्थ नहि रहत यदि शरीर स्वस्थ नहि रहत अहाँके ब्रेनो मानसिको रूपसँ अहाँ स्वस्थ नहि रहबै नहि आ ब्रेनके डेवलपमेंट अहाँके कोनो भी आदमीके अहाँके आमाके पेटके पेटमे जब रहै छै बच्चा तऽ ओही टाइमसँ ब्रेनके डेवलपमेंट शुरू भऽ जाइ छै नहि जे मानो जेना यदि कोनो गर्भवती आदमी छै ओकर पेटमे बच्चा छै यदि अहाँके ओहि समयमे यदि बढ़िआँसँ अपन पोषण नहि गेलक यदि ओहि समयमे कोनो गर्भवती लेडीजके अहाँ कोनो इन्फेक्शन भऽ गेलै कोनो बिरानी भऽ गेलै खूनके कमी भऽ गेलै पोषण यदि नहि पुगलै तऽ ओहिके कारणसँ अहाँके बच्चाके इनडायरेक्ट रूपसँ अहाँके ब्रेनके डेवलपमेंटमे अहाँके फर्क पड़ि सकैए दोसर चीज अहाँके बच्चा जन्म भेलाके बाद यदि कोनो इन्फेक्शन भऽ गेलै यदि अहाँके ब्रेनमे ऑक्सीजन सप्लाई कम भऽ गेलै हाइपोक्सिया भऽ गेलै अथवा विभिन्न किसिमके अहाँके बहुत कारणसब छै जाहिसँ ओकर ब्रेनके डेवलपमेंटमे अहाँके दिक्कत आबि सकैए तऽ ओहिके चलते अहाँके बादमे जाके अहाँके विभिन्न किसिमके मानसिक समस्यासँ आबि सकैए तऽ हम समग्र रूपमे की कहऽ चाहै छी कि यदि अहाँके शरीर स्वस्थ नहि रहत अहाँ मानसिक रूपसँ स्वस्थ नहि रहबै जी यदि अहाँ मानसिक रूपसँ स्वस्थ नहि रहब तऽ अहाँके शरीर स्वस्थ नहि रहत एहिमे की बुझऽ पड़लै अहाँके ब्रेन आओर बॉडीके अहाँके डायरेक्ट रिलेशन छै तैँ दिमाग कनिक बेसी ब्रेन बेसी महत्व राखै छै जे निश्चित रूपमे केहन केहन क्रम सब अबै छै केहन केहन समस्या सब आबै छै दिमागके जीवनमे अच्छा मैं अहाँके रोगके कंडीशनमे कहै छी जी नहि दिमागके कंडीशन सब केहन केहन आबै छै जेनाकि बच्चा दिया कहली जे बच्चापर केहन प्रभाव पड़ि सकै छै कोनो गर्भवतीके कोना रहबाक चाही जे काल्हि खन मानसिक रूपमे ओकर बच्चा स्वस्थ रहत ताहिके लेल की सुझाव जेना यदि पेटमे गर्भवती अवस्थामे जब पेटमे बच्चा रहै छै तऽ ओहि टाइममे अहाँके अपन पोषणमे खूब ध्यान देबऽ पड़लै नहि ओहि टाइममे जब पेटमे बच्चा रहै छै तऽ ओहि टाइममे कोनो भी किसिमके नशा लागू पदार्थके सेवन अथवा कोनो रक्सीसब सेवन नहि करक चाही जी नहि समय समयपर वैक्सीनेशन जे छै ओ खूब लगाबैके जे छै खूब लगाबक चाही ओहि चीजमे ध्यान देबऽ पड़लै आओर सेकेन्ड ट्राइमेस्टरमे जब अहाँके बच्चा 3 साल लऽ कऽ 6 महिनाके बीचमे रहै छै तऽ ओहि टाइममे अहाँके स्पेशली अहाँके कोनो भी वायरल इन्फेक्शनसँ बचक चाही जी जेना इन्फ्लुएन्जा भेलै नहि टॉस्ट इन्फेक्शन भेलै ई सबसँ बचक चाही कतेक ओहि सबसँ इनडायरेक्ट रूपसँ अहाँके बच्चाके ब्रेनके डेवलपमेंटमे असर करै छै दोसर चीज की छै तऽ अहाँके बच्चा ओवर टाइम जब डिलीवरी ओवर टाइममे ओहो टाइम एकदम सुरक्षित रूपसँ जेना कहियो कहाँ अहाँके बच्चा डिलीवरी ओवर टाइममे अहाँके माथामे चोट लागि गेल फोर्सेप डिलीवरी भेलै वैक्यूम डिलीवरी भेलै ओहिसँ चोट लागि गेल अथवा ओहो कारणमे अहाँके कॉर्ड कोलैप्स भऽ गेलै जेना कॉर्ड अहाँके कॉर्डमे बेरा गेलै ओहिके कारणसँ अहाँके ऑक्सीजन सप्लाई कम भऽ जाइ छै ब्रेनमे ओहिके चलते अहाँके ब्रेनके डेवलप नहि भऽ सकैए बच्चा भेलाके बाद यदि अहाँके इन्फेक्शन भऽ गेलै जेना मेनिन्जाइटिस भऽ गेलै ओहिके कारणसँ अहाँके डेवलपमेंट नहि भऽ सकैए तऽ ई चीजसब समस्या सब आबि सकै छै ई चीजसब आ जेना मानसिक रूपसँ यदि एकटा बात करबै तऽ अहाँके अपन सबके ब्रेनमे 3 टा फेज रहै छै कि एउटा कॉन्सियसनेस प्री कॉन्सियस आ सब कॉन्सियस कहै छै जी नहि अपन पहिले अहाँके मानसिक रूपसँ समझा रहल जी कॉन्सियसनेस मतलब की भेलै जरा अपन अपनासँ बात कऽ रहल छी अपनासँ अलर्ट छी जी अपनासँ अपन वातावरणके अनुसारसँ अपनासँ अलर्ट छी जी ई कॉन्सियसनेस भेलै नहि सब कॉन्सियस मतलब की भेलै कि अखन तक अपनासभ एहि उमेरसँ बच्चासँ होइते होइते एहि उमेरमे आबि गेलै नहि बाल्य कालमे एहन घटनासभ घटल हेतै अपनासभके लाइफमे जे अपनासभके पसन्द नहि पड़ल हैत नहि असल ओ घटना अपनासभके यादो नहि भेल याद नहि भेल लेकिन ओ चीजसभ अपनासभके दिमागसँ कहियो नहि हटै छै कि ओ चीज अहाँके ब्रेनमे स्टोर रहै छै ओके ओकरा अहाँके सब कॉन्सियस माइंड कहै छै आ प्री कॉन्सियस भेलै अहाँके कॉन्सियसनेस आ सब कॉन्सियसके बीचके फेजके अहाँके प्री कॉन्सियस कहै छै जेना अखन हम अहाँके कोनो चीज पूछब इसकुलके बारेमे अहाँके याद नहि रहत लेकिन यदि अहाँके इसकुलके साथी केओ आबि गेल ओ जे समझा भेल तऽ अहाँ रिकॉल भऽ गेल जी नहि जी तऽ ई फेज अहाँके ब्रेनके डेवलपमेंट फेज भेलै कि मतलब ई 3 टा फेजमे अहाँके ब्रेनके सब चीज रहै छै
अब आपने मानसिक समस्या के बारे में बात करो तो जना बहुत बच्चा के देखबे आ के डेवलपमेंटल डिसऑर्डर सब जना करे ऑटिज्म भेले एडीएचडी भेले व्यवहार के रूप में व्यवहार के समस्या सब भेले राइट विभिन्न किस्म के जना सेक्सुअल एब्यूज भेले फिजिकल एब्यूज भेले एजुकेशनल एब्यूज भेले मेडिकल एब्यूज भेले तो ई चीज सब बच्चा सबके दिमाग में स्टोर रहे छे मेंटली तो बच्चा में ठीको रहला के बाद यदि बैलेंस ऑफ एडल्ट भ गेल ने त उहे घटना ओकरा संगे तो रिपीट भेल त अहाँके भीतर घटना सब सबकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियसनेस में आबि सकैए आ ओहिके कारण से बच्चा सबके अहाँ डिफरेंट किस्म के विभिन्न किस्म के मानसिक समस्या देखा डिप्रेशन एंजाइटी साइकोसिस ई समस्या सब भ सकैए. अच्छा अखन किछु दिन से की देखल गेल जे तीन वर्ष चारि वर्ष के जे बच्चा सब छै एहि युग के अपना सबके मे जेना बजेबै बेर बेर बजेबै तऽ ओ नहि बाजै छै माने मानसिक रूप में कनी सुस्त मनस्थिति टाइप के देखाई दै छै ओहि बच्चा सब में की प्रॉब्लम हेतै की आना दन छै आते जरा तो तखन ऑपरेशन कोनी ने ई आके गर्भवती अवस्था में आब वाला कॉम्प्लिकेशन जी आ बच्चा जन्म काल में कॉम्प्लिकेशन जे कोनो आइडियल वे वही के कर चलते आहे भी बच्चा के दिमाग के विकास नै भ सकै यो ओकरा अपना सब मेंटल रिटार्डेशन अथवा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर कहै छै ने आब ई केना होइ छै तऽ जरा स्पेशल अपना सब बात की बुझा पड़े कि बच्चा सब जन्म भेला के बाद सब पाँच साल तक ओकर सबके ब्रेन के सीख के एज रहे छै कि ब्रेन के डेवलप होबे के एज रहे छै पाँच साल से लेकर आठ साल तक नै यदि वही एज में बच्चा के जे चीज सीख के चाही यदि वो चीज अहाँ रोक देवे स्टॉप कर देवे तो बच्चा के ब्रेन जेहन विकास होबे के चाही ओहन विकास नै भ सकैए. इट मीन्स जेना घरे में बांध देलक सोशलाइज नै होबे देलक एहि सबके खैर जेना अपन के समस्या जरा जेना सोशलाइज होना कहबे तो सोशलाइज होबे नै देलक जी आ मेन प्रॉब्लम अपन के छै अहाँके मोबाइल यूज इंटरनेट यूज नै मोबाइल यूज के कारण से की होइ छै जे बच्चा के जे पाँच साल आठ साल के बच्चा के जे अपन गार्जियन से सीखक चाही स्कूल से सीखक चाही साथी भाई से सीखक चाही अपन इन्वायरमेंट से सीखक चाही यदि ओकर फुल कॉन्सेंट्रेशन यदि मोबाइल में रहते स्क्रीन में रहते तो वो चीज अहाँ उन्हें सीख सकते ओके ओहि के चलते ओकर दिमाग के विकास नहीं होइ छै आ ओहि के चलते आइ काल्हि अहाँके ऑटिज्म के समस्या बेसी देखा पड़ रहल छै नहीं आई जी डी के समस्या बेसी देखा पड़ रहल छै तो ई चीज कनी बुझा पड़ै छै. एहि क्षेत्र में दिमाग के केहन केहन समस्या सब देखय में अबै छै स्मरण में दो चारिटा पेशेंट के चर्चा कर सकै छी. स्मरण में अहाँके मेन की छै तऽ अहाँके डिमेंशिया डिमेंशिया जी डिमेंशिया अहाँके एकटा एहन रोग भेलै जे अहाँके स्मरण शक्ति के एकदम कमजोर करै छै लेकिन डिमेंशिया मतलब अहाँके विशेष कऽ कऽ चालीस से पचास वर्ष नागल आदमी के अहाँके बेसी होइ छै. एकटा बात की अहाँके जेना चालीस वर्ष कटि गेल छै आ चालीस वर्ष कटला के बाद ओकर पर्सनैलिटी ओकर व्यवहार में यदि कोनो परिवर्तन अहाँ देख रहल छी तऽ कनी डिमेंशिया के समस्या सब देखब बुझब हम जेना छोट छोट बात सब बिसरनाइ एहिमे अहाँके इमिडिएट मेमोरी कहै छै रिसेंट मेमोरी कहै छै रिमोट मेमोरी कहै छै. इमिडिएट मेमोरी मतलब जरा तुरंते हम अहाँसँ बात करै छी अहाँ हमरा क्वेश्चन पूछ रहल छी ओ क्वेश्चन हमरा याद अइ नहि ई हमर इमिडिएट मेमोरी भेलै तऽ डिमेंशियामे की होइ छै तऽ ओल्ड एज माने बेसी उमेर भेलापर अहाँके ओहि शुरू शुरूमे अहाँके इमिडिएट मेमोरी सब अहाँके ऊपर असमरण शक्ति कमजोर होइत गेल माने डिमेंशिया बेसी देखल जाइ छै जेना तुरंते हम किछु पूछली तुरंते किछु कहली हमरा याद अइ नहि रिसेंट मेमोरी मतलब जरा कहू ने आइ घरमे खाने कथी खाते रही नाश्ता कथी खाते रही से बिसरि गेली रिमोट मेमोरीमे अपन जन्मदिन बिसरि गेली अपन मैरिज एनिवर्सरी बिसरि गेली अपन ई लाइफके इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट इवेंट सब बिसरि गेली धीरे धीरे एहन अवस्था अबै छै कि अपन घरके आदमीके नाम बिसरि गेली अपन बेटा बेटीके नाम बिसरि गेली अपन पोता पोतीके नाम बिसरि गेली अपन सम्पत्ति कतै छै की छै माने घरमे की कतै सबचीज बिसरि गेली तऽ एकटा अवस्था एहन अबै छै ओहि एजमे कि बुझू ने एकटा बूढ़ आदमी एकदम छोट बच्चा जाकऽ विवाह करऽ लागत जी याद रहै छै आ डिमेंशियाके कोनो उपचारो नहि छै. जेना एकटा हम उदाहरण देबऽ चाहब अखन जे हमरा सबके गामके एकटा काका छलखिन तऽ ओ खाना खाइ छलखिन लेकिन ओ फेर खाना खेनाइ बिसरि जाइ छलखिन शायद ताहि दुआरे ओ फेरसँ एतेक खा नहि छलखिन. अखने खाना खेने छथिन हँ ओकर खाना नहि खेने छथिन अपने बाथरूम गेल हँ बाथरूम नहि गेल मारे घरसँ निकलली तऽ घरके रास्ता बिसरि गेली बाथरूमके रास्ता बिसरि गेली किचनके रास्ता बिसरि गेली जी तऽ ई समस्या सब डिमेंशिया स्पेशली अहाँके ओल्ड एजमे बच्चा साठि वर्ष नागर हुनकर सत्तरसँ क्रस रहै जी ओहि अवस्थामे ओ खाइते खाइते हुनकर मृत्यु भेलै से एकटा चर्चा चलैत रहै माने जे ओ मानसिक रोगके कारणसँ ओ डिमेंशिया अहाँके दू किस्मके होइ छै जी एकटा अहाँके वास्कुलर डिमेंशिया कहै छै एकटा अल्जाइमर कहै छै अपन सबके सोसाइटीमे अल्जाइमर एकदम कॉमन छै नहि जकर ट्रीटमेंट अहाँके अखन तक नहि छै जे ट्रीटमेंट अवेलेबल छै ओहिसँ अहाँके रोगके कनी रोकथाम कयल जा सकैए ओकर प्रोग्रेशन कनी स्लो कयल जा सकैए लेकिन रिकवर नहि छै ई रिकवर नहि भऽ सकैए. दोसर चीज की छै वास्कुलर डिमेंशिया मतलब जेना ककरो माथामे चोट लागि गेल छी हेमोरेज भऽ गेलै स्ट्रोक भऽ गेलै जेना अपन सबके लकवा मारना कहै छै पैरालाइसिस भऽ गेल ओहन अवस्थामे अहाँके वास्कुलर डिमेंशिया भऽ सकैए लेकिन वास्कुलर डिमेंशियामे यदि अहाँके तुरन्ते आइडेंटिफाई कयल जाए तुरन्ते ओकर ट्रीटमेंट कयल जाए तऽ डिमेंशिया ठीक भऽ सकैए ओके लेकिन अल्जाइमर डिमेंशिया अहाँके ठीक भेल छै ठीक नहि होइ छै ई सब बेसी देखल जाइ छै एहिठाम. आब एकटा चीज इम्पोर्टेन्ट बात हम कहब बिसरि गेली कि अहाँके यदि कोनो आदमीमे डिमेंशिया अहाँके शुरू भऽ जाइ छै जी तऽ ओकर एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी अहाँके बुझू दस सालमे तक रहै छै
डिमेन्सिया मतलब धीरे धीरे अहाँके ब्रेन के न्यूरॉन सब सेल सब अहाँके डैमेज हो जाइ छै, डिजनरेट हो जाइ छै, जे चीज अहाँके रिकवर नहि होइ छै। आ धीरे धीरे जेना ब्रेन डिजनरेट होइत गेल ओहि हिसाबसँ अहाँके शरीर के विभिन्न अंश अहाँके फेल होइत गेल, ओहिसँ आदमीके मृत्यु। हँ, दिमागके जोगा कऽ राखऽके की उपाय सब भऽ सकै जी? एहिमे तऽ एकदम सिम्पल बात छै, जेना अपनासभ अखन के अथी करै छी नहि, रातिमे कमसँ कम 6 से 8 घंटा नींद होना बहुत जरूरी छै, स्पेशली बच्चा सबके। अहाँके जतेक बेसी सुतै छै, स्पेशली 5 साल से 8 सालके बच्चाके अहाँके कतेक घंटा सुतबाक चाही? कमसँ कम 6 से 8 घंटा, 6 से 8 घंटा एटलीस्ट अहाँके सुतक चाही। दोसर चीज अहाँके उठि कऽ नहि रेगुलर व्यायाम एक्सरसाइज, चाहे योगा करू, चाहे मॉर्निंग वॉक करू, साइकिलिंग करू, जिम करू, नहि एक्सरसाइज हो, फिजिकल एक्सरसाइज हो। दोसर चीज दिनभर अहाँके एकटा शेड्यूल होबक चाही कि मैंने हम कथी करब दिनभर, भोरसँ लऽ कऽ साँझ तक सुतक समय तक हमरा कथी कथी करबके छै। आ ओहि शेड्यूलमे एहन चीजसभ इन्वॉल्व होबक चाही जाहिसँ अहाँके खुशी मिलै छै, तनाव नहि, जे चीजसभ तनाव भेटै छै, स्ट्रेस भेटै छै, ओ चीजसँ दूर रहक चाही। जे चीजसँ अहाँमे खुशी बेसी भेटैए, मने आनन्द बेसी लगैए, तऽ ओ चीजमे कनि बेसी फोकस होबय पड़लै। तकर बाद लाइफमे एकटा गोल एम होबय पड़लै, नहि करय छै ना, कतना भी जै आदमीके लाइफमे एम नहि रहै छै, गोल नहि रहै छै ने, ओहि आदमी अहाँके मानसिक समस्या बेसी देखा पड़ै छै, नहि ई होबय पड़लै। तकर बाद अहाँके रेगुलर एक्सरसाइज कहिए देली, खानपिनके बात अबै छै नहि, स्वस्थ खानपिन भेलै। तकर बाद अहाँके कोनो भी किसिमके नशा नहि करय पड़लै, नहि ओ चीजसँ दूर रहय पड़लै। तऽ ई चीजसभ करबै तऽ अहाँके अपन मानसिक रूपसँ स्वस्थ भऽ सकै छै। कते लोक, कते गोटे लागू सब दुर्वेशनी सबके बात सब आबै छै जे हम फलाना चीज ड्रग यूज करै छी तऽ हमर दिमाग ठीक रहै, तऽ ई कते बड़का भ्रम छै कि सत्य छै? जे नहि, ई भ्रम लागू औषध, कोनो भी आदमी लागू औषधके नशामे जे फँसै छै ने, ओकर दूटा कारण रहै छै। मेन कारण छै अहाँके शुरुआत केलक साथी सबके लय लय जी, नहि आब ई अपना पर डिपेंड करै छै कि जेना फर्स्ट टाइम हम कोनो चीज नशा लेली तऽ ओ फर्स्ट टाइम लेलाके बाद हमरा केना अनुभव भेलै। यदि हमरा रमाइलो लागत हम कथी कभी रमाइलो, तऽ हमरा सबदिन चाहे हम सबदिन नशा करबै। लेकिन यदि फर्स्ट टाइम नशा नहि लागत, यदि हमरा नहि नीक लागत, ठीक नहि लागत, तऽ नेक्स्ट टाइम ट्राइओ नहि करबै, कोशिशो नहि करबै, नहि। दोसर कारण की छै तऽ यदि कोनो भी आदमीमे अहाँके उदासीपनके समस्या, डिप्रेशनके समस्या, एन्जाइटीके समस्या, साइकोसिसके समस्या रहल, तऽ अपन उदासीपन हटाबला, इतनोपन हटाबला नशाके सहारा मिलत। ओके, एकटा तऽ उदासीपनके समस्या छेबे करै, आब अपन उदासीपन हटाबला जे नशाके जे सहारा लै छै, तऽ नशाके एडिक्शन सेहो होइ छै, दोसर समस्या हो, दोसर समस्या नहि। आ दोसर कारण की छै, जेना साइकोसिसमे स्पेशली आबू प्रायः अहाँ देखबै लड़का सबके, यौ लड़का सबके गाजा सेवन बेसी करैसँ ई बात आदमी सबके समाजमे एहनो भ्रम छै कि अहाँके लगातार गाजा सेवन कयलाके बाद नहि कथी होइ छै, लेकिन नहि, कोनो कोनो पेशेंटमे हम इहो देखने छी कि अहाँके फर्स्ट टाइम गाजा ट्राई कयलाके बाद सेहो साइकोसिस बनि छै। ओके, नहि लम्बा समय गाजा खेलाके बाद सेहो अहाँके विभिन्न किसिमके मानसिक समस्या देखा पड़ल छै, ओ समस्या सहितके चीज सेहो आबि सकैए। डिमेंशिया अहाँके बादमे जाके, यदि लॉन्ग टर्म अहाँ यूज करबै जेना रक्सी गाजा कोनो भी नशा यूज करबै, तऽ बादमे जाके अहाँके कनि कॉग्निटिव प्रॉब्लम आबि सकैए, मतलब असफल शक्तिमे ह्रास आबि सकैए, नहि। तऽ मेन की छै तऽ अहाँके की तऽ रोग हटाबला, रोगके दूर करैला अहाँके नशा कयलक, की तऽ नशा सेवन कयलाके बाद अहाँके जकर दिमागमे कोनो गम्भीर समस्या भऽ जाय, पैघ बीमारी भऽ जाय, ओकर उपचार एतऽ सम्भव छै कि नहि? सम्भव छै। आब अहाँके कोन बीमारीके बात करै छी, नहि जेना मानसिक समस्यामे कोनो भी रोग छै तऽ एतऽ उपचार सम्भव छै, सम्भव छै। हँ, लेकिन जेना बाल बच्चामे जेना ऑटिज्म, ADHD भेलै, ओकरो उपचार सम्भव छै, लेकिन ऑटिज्म तऽ अहाँके न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भेलै, ओकर अहाँके उपचार नहि छै, सम्भव नहि छै। अपन बाल बालिका तथा किशोर किशोरीके मानसिक समस्या कि इलाज अखन नेपालमे एकैठम होइ छै, कान्ति बास्तामे नहि, ओतै होइ छै, अपन चाइल्ड सेक्रेटरी अहाँके ओतै स्टार्टे भेल छै, बेसी ओतै 4-5 साल भेल छै। लेकिन कोनो भी यदि कड़ा किसिमके मानसिक रोग छै तऽ ओकर उपचार तऽ सम्भव छै, लेकिन जेना आब हेमाटोमा भऽ गेलै, ट्रॉमा भऽ गेलै, चोट लागि गेलै, ओहिके कारणसँ यदि मानसिक समस्या सब आबि रहल छै, आ कोनो सीरियसे समस्या तऽ ओहिके लेल तऽ अहाँके उपचार एतऽ सम्भव नहि भऽ सकै, ओ तऽ बेटर सेन्टर भेटै छै। हँ, तऽ से बात सब छै, लेकिन मानसिक समस्यामे जते भी रोग छै ओ तऽ एकर उपचार अहाँके एतऽ सम्भव छै, सम्भव छै, कोनो समस्या नहि छै। एहिमे जेनाकि अखन एहिठामके जे उपचार पद्धति छै, प्रादेशिक अस्पताल जतऽ अपने अखन सेहो कार्यरत छियै, प्रादेशिक अस्पतालमे कतेक रोगी अखन आबै छथिन मानसिक? अखन एहि बारेमे प्रचार प्रसार भेले नहि छै एखनो जे एहिठाम उपचार की हेतै, किएक तऽ एकटा चीज की देखल गेलैया जे जखने मानसिक रोगके बात आयल, तब भारतके रांचीके बात केलक या भेलौरके बात केलक या अन्य कतौ कोनो तेसर कंट्रीके बात केलक, एहिठामके चर्चे नहि होइ छै, से किया? अखन अवेयरनेसके कमी छै कि आब अवेयरनेस कमी किछु आदमी सबके की लगै छै कि मानसिक समस्याके उपचार नेपालमे सम्भव नहि छै, जनकपुरमे सम्भव नहि छै जी, कि तऽ समस्या बदलतै तऽ काठमाडौँ जाए पड़लै, धरारे जाए पड़लै, कि तऽ इंडिया जाए पड़लै। लेकिन धीरे धीरे अखन
जहिया हम शुरुआत कैली वही टाइम अहाँके दिन के एकटा दूटा पेशेंट देखने छलियै यहाँ पैकेज हफ्ता में जी अखन अहाँके दिन के 20 25 एवरेज में डेली अबै छै नहीं एकर मतलब बुझे पड़े कि अहाँके 5 साल के जो हम काम के लिए धीरे धीरे 5 साल में आदमी के अवेयरनेस बढ़त गए जी मान एक उच्चारण अहाँके हम सब समझ तो वही हिसाब से आदमी सब अहाँ बुझे कर दोसर चीज अपन अपना सब की कैली अहाँ नेपाल सरकार से मिलकर जना विभिन्न संघ संस्था जना टीपीओ नेपाल सीएमसी नेपाल डब्ल्यूएचओ यूनिसेफ अरे संस्था सब से मिलकर हम अपना सब अहाँ अपन प्रदेश में दू नंबर प्रदेश में कम से कम 500 से बेसी स्वास्थ्य कर्मी के अपना सब अहाँ मानसिक स्वास्थ्य संबंधी तालीम दऽ देने ऑलरेडी 500 से बेसी तो वो के चलते अखन की अहाँ रिफरल बढ़ रहा है प्रदेशिक अस्पताल में जी नहीं को समस्या रहा तो वह फोन करते को पेशेंट में दाग बच्चा रफ्ता में जाओ रिफर कर देखिए तो वह अहाँ रिफर कर रहा है आ ई तालीम के प्रोग्राम अखन आरो बेसी आबि रहा है आ मेन फोकस अहाँ प्रदेश में एहिठाम कतेक बुझाइ एकटा मानसिक रोग मनोरोग विशेषज्ञ के दृष्टिकोण सँ अपने के कतेक आवश्यकता ओहि पर यह जे एकटा मानसिक अस्पताल जनकपुर धाम में सेहो हेबाक चाही मध्य प्रदेश में सेहो ई एकदम जरूरी छै नहीं कसला कि डब्लू अपना सबके नेपाल के एकटा सर्वे की सर्वे रिजल्ट की आयल छै जी कि नेपाल में अहाँ के चारिटा परिवार में एकटा परिवार में मानसिक रोगी छै चारिटा परिवार में ही रिपोर्ट है हाँ जी तकर बाद अहाँ के 5टा जे से 5टा में अहाँ के एकटा के मात्र उपचार मिल रहा है चारिटा के उपचार नहीं भेट रहा है आब अखनो सबके अपना सबके समाज में की छै अहाँ के 60 से लऽ के 70% पेशेंट अहाँ के अपनो धानी झाँकरी पर बेसी विश्वास कयलक नहि ओ पेशेंट सब अहाँ के हुनके सब संगे बेसी ई एकटा दुर्भाग्य काल दुर्भाग्य नहि एकटा आस्था भेलै आदमी के विश्वास भेलै नहि हमसब ई नहि कहै छी कि आब धानी झाँकरी मे नहि जा ओ नहि कहै छी लेकिन अपना आदमी के आस्था भेलै अहाँ सबके हुनका सबसे उपचार कराबे के तऽ जाउ लेकिन हमसब कहै छी कि एक बार हमरो सबसे भेट लिए डॉक्टरो सबसे भेट लिए नहि दवाइ अहाँके जे देन यऽ दवाइ नहि छोड़ू लेकिन जे अहाँके अपन धर्म प्रति विश्वास यऽ धानी झाँकरी पर विश्वास यऽ ओ अहाँ कऽ सकै छी लेकिन दवाइ खानी नहि छोड़ू नहि अहाँके आब कहिए देली आब जेना WHO के हिसाब से देखू 10टा मानसिक 10टा रोग नहि जाहिमे अहाँके आदमी के अकाल में मृत्यु होइ छै जाहिमे नंबर 1 में आबै छै छाती के बीमारी जी नंबर 2 में आबै छै अहाँके सुसाइड नहि आ अखन की कहल जाइ छै कि अहाँके आब आबै वाला 5 साल 10 साल में अहाँके सुसाइड अहाँके छाती के रोग अथवा उछिन दे दै मतलब अहाँके नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ अहाँके सुसाइड जल्दी आबै छै एकर मुख्य कारण ई मानसिक रोग सर नहि कहते अपन जत भी देखबै समाजमे 70-80% सुसाइड अहाँके डिप्रेशन के कारण से एहि प्रदेशे के बात करी तऽ एक वर्ष मे 400-450 अहाँके 1.7% से रेट पड़ल छै सुसाइड के नेपाल ई अहाँके हमेशा बढ़ले रहल छै अटक नामे रहल जी आ एकर मेन कारण छै अहाँके डिप्रेशन मेन कारण डिप्रेशन छै दोसर कारण अहाँके नाभोसक छै तेसर कारण अहाँके साइकोसिस छै आ कोनो कोनो सुसाइड अहाँके एक्सीडेंटल भऽ जाइ छै नहि एक्सीडेंटल सेहो भऽ जाइ छै से बात बुझऽ पड़लै तऽ आब दोसर चीज ओहि की छै दिमाग कनि एकटा हम क्वेश्चन करऽ चाहलहुँ जे आखिर ओहि व्यक्तिके की होइ छै जे ओ सुसाइड भऽ चलि जाइ छै ओकरा केना बचायब आब ई चीज लए अहाँ कनि डिप्रेशनके बात बुझऽ पड़त कि डिप्रेशन मतलब की छै आदमीके मूडके समस्या नहि ओकर मेन लक्षण की छै तऽ यदि हमरा डिप्रेशन भेलै तऽ हमरा 24 घंटा मोर उदास रहना 24 घंटा मैंने कोनो चीज में मोबाइल दे रहा मन नहीं लगा अपन जरा भोरे उठलिए हमरा यूट्यूब देवे एक्साइटेड से नहीं जी लेकिन हमरा यूट्यूब देवे तो फिर हमरा खुशी नहीं लगा खुशी रमाइल नहीं लगा रहे हमर साथीसब रमाइलो कऽ रहल छै लेकिन हम रमाइलो नहि बसक रहल छी हमरा पहिने जे चीजमे रमाइलो लगै छलै चीजमे हमरा एकर साफी इंट्रेस्ट नहि जाइए जी शरीरमे एकदम कमजोरी निराशापन एकदमै थकित जाना महसूस होइए कोनो चीजमे हम कॉन्सन्ट्रेट नहि कऽ सकै छी अपन भविष्य लेजीनेस अपन भविष्यप्रति खाली नकारात्मक सोच नहि तकर बाद अहाँके जरा सुसाइड करैके आइडिया सब आदमीके एहन विचार आयल रहै जब लास्ट स्टेजमे कि हमर जिन्दगी बेकार भऽ गेल हमर लाइफसँ हमरा कोनो आशा नहि अइ हमर अपन घरके लेल समाजके लेल हम बोझ बनि गेल छी एकटा हम कथु नहि कऽ सकब हम चारो तरफसँ फेल भऽ गेली ओहन आदमीके अहाँके दिमागमे की होइ छै जब हमर जिन्दगीए बर्बाद भऽ गेल तऽ हम जी कथी कहू तऽ ओहन अवस्थामे अहाँके सुसाइड इंटेंशन अहाँके बेसी आबि सकैए लेकिन ओ मेन्टली कमजोर रहला बादे ई चीज कतौ ने कतौ मानसिक रोगके ओ शिकार भऽ गेल छै ताहिमे दो मत नहि आब करीब करीब टुडे टॉकके अन्तमे आबि गेल छी आइ अतिथि छथि हमरा लोकनिक डॉक्टर रोबिन झा जे मनोरोग विशेषज्ञ छथिन आ प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाममे अखन एहि सेक्टरके प्रमुख भऽ कऽ काज कऽ रहल छथिन अन्तमे अपने की कहऽ चाहबै दर्शक हम की कहऽ चाहबै कि हम सम्पूर्ण आदमीके सब समाज की कहऽ चाहै छी कि अहाँके मानसिक समस्याके मजाकसँ रूपमे लागि गेल यदि अहाँ देख रहल छी अपन छर छमितमे अपन परिवारमे कि आदमीके कोनो किसिमके मूडके समस्या भऽ रहल छै ओकर व्यवहार परिवर्तन भऽ रहल छै व्यवहार चेंज भऽ रहल छै
जे आदमी एकदम रमाइलो करै छल ऊ आदमी कापछोट छोट बात पर पिक लगै छै गुस्सा करै छै जे बढ़िआँसँ कमाइ छल काम करै छल आइकाल्हि ओकर काम डिस्टर्ब भऽ रहल छै यदि अहाँके घरमे छोट छोट बच्चा अइ ओ बढ़िआँसँ पढ़ै छल लेकिन आइकाल्हि ओकर पढ़ाइ डिस्टर्ब भऽ रहल छै नहि यदि ओकर कोनो व्यवहारमे ओकर विचारमे जे परिवर्तन आबि रहल छै जे चीज उचित नहि छै तऽ ओहनमे ई बच्चासँ अथवा ई ओहिना टेन्शनमे ओना करै छै से चीज कहिके गेला नहि करू अपन नजदीक कोनो भी मनोपरामर्शकर्ता अथवा मानसिक स्वास्थ्य कर्मी छै तऽ हुनकासँ सलाह अवश्य लिऔ कदापि शुरूमे जल्दी जतेक जल्दी इन्टरभेन्सन भऽ जाइ जतेक जल्दी ट्रिटमेन्ट स्टार्ट भऽ जाइ बादमे ओतेक फाइदा छै ओतेक फाइदा छै माने प्रादेशिक अस्पतालमे सेहो जाकऽ सरकारी दर रेटमे मानसिक रोगके जनकपुर धाममे सेहो उपचार भऽ सकै छै आओर कोनो भी तरहके तेहन समस्या देखल जाए तऽ डॉक्टर साहब जे सुझाव देलखिन जे पहिने अस्पतालमे जाकऽ चेकअप कराबी एकटा आओर इम्पोर्टेन्ट बात जी जी प्लीज अपनसबके नेपालमे जते भी जनसंख्या छै ने अहाँके ओहिमे अहाँके 42% जनसंख्या अहाँके बाल बालिका तथा किशोर किशोरीके छै जी है आओर 50% जते एडल्टमे जे मानसिक समस्या होइ छै ने ओकर अहाँके 50% अहाँके बाल बालिका किशोर किशोरेसँ शुरू भऽ जाइ छै आओर बादमे तऽ अहाँके एडल्टमे देखऽ पड़ै छै वएह सेम रोग देखऽ पड़ै छै तऽ ई चीज बुझऽ पड़बै कि अपन सबके देशके समाजके चलाबैवला ओहे जनसंख्या छै जी यदि अहाँके ओही एजमे यदि अहाँ ध्यान नहि देबै मानसिक समस्यापर ध्यान नहि देबै तऽ बादमे जाकऽ ओकर जे प्रोडक्टिविटी छै बादमे जाकऽ ओकर प्रोडक्टिविटी घटतै तऽ ओहि दिन अहाँके समाजो घाटा छै देशो घाटा छै सभ्य ई कतेक छै जखन एकटा अन्तमे हम एकटा प्रश्न करऽ चाहब जे मानसिक रोगी छै आओर ओकरासँ जन्म लेने बच्चापर एकर कतेक प्रभाव पड़ै छै जरूरी नहि छै ओ जरूर लेकिन एकटा बात बुझऽ पड़लै मानसिक रोग बहुत एहन रोग छै जे अहाँके वंशानुगत से होइ छै नहि वंशानुगत मतलब यदि फादर मदरके फादर मदरमे यदि एगोटाके मानसिक रोग छै तऽ बच्चाके अहाँके 15-20% चान्स छै कि अहाँके बच्चाके ओ रोग भऽ सकलै 15-20% मात्रै आ शुरूएसँ केयर कयल गेल तऽ ओकर नहि भऽ सकै नहि दोसर चीज यदि फादर मदर दुनूके मानसिक समस्या छै तऽ ओकराके 50% चान्स छै बच्चा नहि लेकिन फादर मदरके मानसिकी रोग होबाक जरूरी नहि छै जी यदि फादर मदरके इमोशनल बॉन्डिङ बढ़िआँ नहि छै दुनूबाटके भावना नहि मिलै छै घरमे कोलाहल छै झगड़ा छै तऽ ओ चीज नेगेटिव इम्प्याक्ट अहाँके बाल बालिकाके पड़ै छै बच्चाके पड़ै छै ओ चीजसँ बच्चासबके बादमे जाकऽ एन्जाइटी इनसिक्योरिटी इन्डिपेन्डेन्ट फिल नहि बनाइ तऽ ओ चीजसब समस्यासब आबि सकत मानसिक अर्थात मानसिक रोगीके लेल एकटा सहज सुन्दर शान्त वातावरण आवश्यक छै वातावरण आवश्यक छै नहि अपना केना खुश रखबै परिवारके केना खुश रखबै से आवश्यक छै नहि तऽ ई चीजके अहाँके बुझऽ पड़लै चारिटा चीज छै कि अहाँके विचार पिलेबो विचार मतलब ई नहि कि हम अपना बारेमे बढ़िआँ सोचब अहाँके बारेमे खराब सोचब ओ नहि अहाँके विचार हमरो बारेमे हमरा अपना प्रति विचार पॉजिटिव होबाक चाही या हमर वरिपर जे आदमी ओकर पॉजिटिव होबाक चाही जी तकर बाद अहाँके इन्टेलिजेन्स नॉलेज केहन अइ अहाँ जतेक पढ़ल लिखल छी नहि ओहि हिसाबसँ अहाँके नॉलेज अइ नहि तकर बाद अहाँके एटिट्यूड केहन छै अपना प्रति दोसर प्रति एटिट्यूड केहन छै तकर बाद अहाँके नॉलेज केहन अइ अहाँके मेमोरी केहन छै स्मरण शक्ति केहन छै ई 4-5 फैक्टर एहन छै ने जे चीज अहाँके आदमीके आवश्यकता छै यदि ई 4-5 चीजमे कोनो भी फैक्टरमे यदि डिस्टर्बेंस आबि रहल छै तऽ बुझू अहाँके मानसिक रोगके लक्षण छै तत्काल इलाज करत डॉक्टर साहेब डॉक्टर रविन्द्र झाके बहुत बहुत अपन महत्वपूर्ण समय देलखिन हमरा सबके टुडे टॉकमे हिनका बहुत बहुत अपनेके धन्यवाद आ हमहूँ ध्रुव विदा लैत छी प्रणाम।